देखिए, बॉलीवुड के भगवान तो आपने देख लिए, अब क्रिकेट के भगवान की बात कर लेते हैं, सचिन तेंदुलकर जी। हाँ, भारतीय क्रिकेट का वो नाम जिसने अपने खेल से वो मुकाम हासिल किया कि लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे, और यही वजह है कि उनके इस योगदान को देखते हुए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उनकी एक प्रतिमा लगाई गई है। देखिए, सचिन तेंदुलकर सचिन रमेश तेंदुलकर, सचिन को क्रिकेट का भगवान बनाने वाला मैदान, सचिन के सपनों को साकार करने वाला मैदान, जहां सचिन ने पहले क्रिकेट देखा, फिर खेला और फिर वो मुकाम हासिल किया जहां पहुंच पाना किसी क्रिकेटर के लिए ख्वाब सरीखा ही रहा। यही वो मैदान है जहां सचिन ने क्रिकेट का ककहरा सीखा और यहीं से अपनी पारी को विराम दे दिया। क्रिकेट जिसे हिंदुस्तान ने अपना धर्म जैसा बना लिया है और इसका भगवान सचिन तेंदुलकर को ये स्टैचू इसी का यकीन दिलाती है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये प्रतिमा क्रिकेट के इस नायाब हीरे की है जिसका अनावरण 2023 वर्ल्ड कप में भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली भिड़ंत के ठीक एक दिन पहले किया गया। सचिन तेंदुलकर मूर्ति के अनावरण के दौरान खुद सचिन तेंदुलकर, शरद पवार, बीसीसीआई के महासचिव जय शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई लोग मौजूद रहे। ये मूर्ति एमसीए की तरफ से लगाई गई है जिसमें क्रिकेट के प्रति सचिन के जीवन के 50 वर्षों के समर्पण को ध्यान में रखा गया है। सचिन तेंदुलकर की इस प्रतिमा में उनके पसंदीदा शॉट खेलते हुए दिखाया गया है। साथ ही ये प्रतिमा 2011 के वर्ल्ड कप में उस मैच से जुड़ी है जिस खिताबी मुकाबले में सचिन तेंदुलकर ने भारत को जीत दिलाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। सचिन की ये प्रतिमा उनके स्टेट ड्राइव की मुद्रा में है। वानखेड़े स्टेडियम में अपनी ही प्रतिमा का अनावरण करते हुए सचिन भावुक नजर आए। इस दौरान एक बार फिर स्टेडियम में सचिन की गूंज सुनाई दी। सचिन तेंदुलकर की ये प्रतिमा उस दौर में वानखेड़े स्टेडियम में लगाई गई है जब वनडे मैचों में उनके 49 शतकों का मुकाबला करते हुए विराट कोहली उनके पायदान पर आकर खड़े हो चुके हैं और श्रीलंका के खिलाफ शतक जड़ते ही वो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। वैसे क्रिकेट में रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए हैं, लेकिन क्रिकेट में सचिन को मिला ये सम्मान भारत में किसी दूसरे क्रिकेटर को शायद ही हासिल हो सके।